चलते चलते ये फिजाएं, ये खूबसूरत हवाएं अक्सर हमें बहुत कुछ याद दिलाती है, वो पल, वो जिंदगी के हसीन लम्हे जिसे गुजारना पसंद करते हैं लोग, खास तौर पे कश्मीर में। नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम जी हाँ चलते चलते में। मैं हूँ इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक साइड से अगर देखा जाए कोविड भी चल रहा है और कोविड की तीसरी लहर चल रही है, मगर इस बीच अगर देखा जाए तो SOPs पर भी जोर दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ ही साथ अब लोग भी खुद समझ गए हैं, जान गए हैं कि कोविड की लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए गवर्नमेंट अपने एंड से बहुत अच्छी कोशिश कर रही है कि इसे कंट्रोल किया जाए, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की बात करें या पुलिस की जानिब बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब बात करें, मगर लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वक्त एक मुगल गार्डन में मौजूद हूँ। ये वादिया कश्मीर का बड़ा फेमस मुगल गार्डन है जिसे शालीमार बाग कहा जाता है। हर साल हम यहाँ आते थे और बहुत चहल पहल यहाँ रहती थी, जबकि आजकल कोविड के जो केसेस बढ़ने लगे हैं तो इस बीच लोग भी अब समझ गए हैं कि SOPs पर जोर देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मगर हम आपको दिखाना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए कि एक साइड से लोग टहल रहे हैं, टूरिस्ट इंजॉय कर रहे हैं, मगर साथ साथ भीड़ भाड़ नहीं है। SOPs पर ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए टेस्टिंग के हवाले से जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के एंड से, उसे बिल्कुल जी हाँ स्टार्टिंग पॉइंट में ही एक काउंटर रखा गया है जो बाज़ाब्ता तौर पर वैक्सीनेशन रिपोर्ट या टेस्टिंग रिपोर्ट जो है पूछी जा रही है। मगर इस बीच कोविड की जो गाइडलाइंस है, खास तौर पर लोकलाइट्स के साथ साथ जो सैयाह है जो वादी कश्मीर के, वो कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं इसे फॉलो करना, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन लोगों के साथ जो वादी कश्मीर के खूबसूरत सफ़र पे है सैयाह। क्योंकि एक साइड से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर के इस खूबसूरत सफ़र पे है, ठंडा ठंडा मौसम है, चिलचिल मौसम है, दूसरी जानब अगर देखा जाए तो SOPs का भी हमें खास ख्याल रखना है, क्योंकि गार्डन्स में इतनी इस वक्त ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बेहतर है। तो आइए आपको लेकर चलते इसी प्रोग्राम की ओर जिसका नाम है चलते 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 चलते। एक जानब देखा जाए तो कश्मीर में मौसम भी बदल रहा है, चिलाई कलान आज जा रहा है, रुखसत हो रहा है, मगर साथ ही साथ कश्मीर के खूबसूरत सफर पर जी हाँ बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। आपको वेलकम है सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? अनु शर्मा। मैम योर नेम? रितु शर्मा। रितु जी, कश्मीर पहली बार ही, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट है यहाँ पे, वेदर भी बहुत अच्छा है। आपकी चाहत थी कश्मीर आने की? जी बिल्कुल। कहाँ देखा था ज्यादा कश्मीर को? अभी तक तो मोबाइल्स वगैरह फोटोज वीडियोस इन्हीं में ही देखा था। अभी प्लान किया था, अभी हमारी शादी हुई है, अभी प्लान किया था। चलिए जी, नई नई शादी हुई है, बहुत बहुत मुबारक आपको, खुश रहिए। अच्छा, कश्मीर ये पहले से ही आपका सपना था कि आप कश्मीर आए, कश्मीर ट्रेवल करें। दी आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने बोला सर को कि कश्मीर चलेंगे तो सर का रिएक्शन क्या था? सर का रिएक्शन बहुत बढ़िया था, सर भी यही प्लान कर रहे थे कि कश्मीर साइड ही चलेंगे घूमने। सर क्या लगा कश्मीर में सबसे डिफरेंट, जो आप हमेशा अपने साथ लेकर जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, और क्या शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ? सर यहाँ पे मेमोरीज जो है मेमोरेबल है, और यहाँ का वेदर अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया वेदर है, और यहाँ पे एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा बात करेंगे, मास्क लगा के रखे हैं हमने, कितना आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है अभी भी कोविड के SOPs को हम फॉलो करें, घूमे फिरे, एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें, मगर SOPs को फॉलो करें? मास्क तो अभी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोविड अभी वापस से बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, एंड जहाँ से हम लोग आए ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज फैमिली के साथ वापस फैमिली में ही जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ से बीमारी लेके जाएं इसके लिए। सर यहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे टैक्सी की बात करेंगे, मार्केट में आप घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग भी प्रॉपर मास्क पहन रहे हैं, SOPs को फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे मोस्टली लोग फॉलो कर रहे हैं मास्क वास, और जो अवेयरनेस है गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जो डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग है इधर, और वैसे यहाँ का जो कोविड का है वो थोड़ा सा कम है, मतलब जहाँ पे इतना नहीं है कोविड का सीन, तो बाकी एरियाज के अकॉर्डिंग। क्या यादें लेकर जाओगे वापस, अब आप राजस्थान जा रही हैं वापस अपनी फैमिली के पास, क्या यादें लेकर? ये माउंटेन्स, ये तो बिल्कुल एकदम भूलने लायक ही नहीं है, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट टाइम ही देखी हैं, तो ये सब तो हमेशा ही याद रहेगा, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, लाइक यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको लगा कि यहाँ के लोग जो है अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, मिलनसार है, प्यार मोहब्बत है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, हेल्पिंग है सभी लोग, बड़ा हेल्पिंग नेचर है, बहुत इजीली मतलब
गाइड करते हैं लोग बाग यहाँ पे एक दूसरे को, मतलब हेल्प करते हैं बहुत अच्छे से। कुछ लोग ये भी वहाँ देख के समझते हैं जो टीवी पर न्यूज जाती है, वहाँ ऐसा है, दंगल है, वो है। अभी तो आप यहाँ खुद है, हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि यहाँ दंगल है, यहाँ लड़ाई झगड़ा है, यहाँ ऐसे हालात है, यहाँ नहीं आना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशंस कभी कभी अंडर कंट्रोल नहीं रहती हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे सब सेफ एंड सिक्योर है सब। आपको लगता है कि टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए ताकि यहाँ के टूरिज्म में थोड़ा बूम हो जाए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है। लाइक हम लोग यहाँ आ रहे थे ना, जब हम लोग भी थोड़े से डरे हुए थे, बट यहाँ आके सबसे बातचीत करी, यहाँ का माहौल देखा ना, तो अभी नहीं है कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है डरने लायक। अभी सब बहुत बढ़िया है, अभी हम लोग भी कम्फर्टेबल है यहाँ आके। चलते चलते गार्डन में चारों तरफ खामोशी है, मगर मुंबई से हमारे मेहमान आए हैं। आपका वेलकम है, नमस्कार। कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं, नासिक, महाराष्ट्र, नासिक। आपका नाम? विभा। विभा, आप भी मुंबई से? यस। सर, क्या लग रहा है गार्डन में? चारों तरफ सन्नाटा है, कोविड चल रहा है, मगर साथ साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत बढ़िया है, सन्नाटा तो है बट ग्रीनरी अच्छी है यहाँ पे, फूल नहीं है, टूरिस्ट भी अच्छे आ रहे है, आजू बाजू सब बर्फ है, ठंड है, क्लाइमेट बहुत बढ़िया है। कैसा लगा कश्मीर आके आपको? बहुत बढ़िया लगा, क्लाइमेट एकदम महाराष्ट्र से पूरा अपोजिट है, बहुत ठंड है यहाँ पे, और मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया है। हमने कब से प्लान कर रहे थे आप जाने के? हम 2 महीने से प्लान कर रहे थे, स्पेशली इन विंटर्स वी वर प्लानिंग, एंड दिस इज आवर लास्ट डे, यानी अब वापसी है मुंबई। अब मुंबई पहुंच जाएंगे, मगर मुझे ये बताइए, जो मुंबई में कोरोना है, तो वैसा कोरोना कश्मीर में नहीं? नहीं, यहाँ पे मास्क सबने पहना हुआ है, रूल सब फॉलो कर रहे हैं, रिस्क वाली कोई बात नहीं है सब जगह। अभी हम गार्डन से आ रहे हैं तो हर गार्डन के बाहर चेक पोस्ट है, वहाँ पे टेस्ट हो रही है, तो काफी अच्छा गवर्नमेंट ने टूरिस्ट का, लोगों का ख्याल रखा हुआ है। फैंटास्टिक। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, अब मुंबई नासिक से आई हैं, कश्मीर में जो लोग मिले आपको, चाहे टैक्सी वाला भाई मिला, होटल वाला भाई मिला, या कोई भी जहाँ पर भी आपकी पब्लिक डीलिंग रही, कैसा उनका आपको लगा व्यवहार? उनका बहुत फ्रेंडली नेचर है, वो हम सबको बहुत सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर जगह दिखाते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि हमें इस मुल्क के बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें, अच्छे से बहुत एंजॉय भी कराया है उन्होंने। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग हैं ना जो खबरें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, कश्मीर मत जाओ, वहाँ दंगा फसाद है, वहाँ परेशानी है, आप तो खुद यहाँ है, क्या कहना चाहोगे उनको आप? मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा, आप कश्मीर जरूर जाइए, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, लोग बहुत फ्रेंडली है सबसे, और कश्मीर एक ऐसी जगह है जो हर एक मौसम में देखने लायक है। क्या बात है, आज यहाँ पे पूरी बर्फ है, आप गर्मियों में आइए यहाँ पे, आप सब हरा भरा मिलेगा, फूल मिलेंगे। आज हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सब गार्डन से खाली पेड़ दिख रहे हैं, सुने सुने दिख रहे हैं, कोरोना। हम जरूर आएंगे। अच्छा, ये बताइए, SOPs फॉलो करना, आपने मास्क पहना है, आपको लगता है कि जब भी हम कहीं निकले घूमने फिरने टहले, जबकि लॉकडाउन भी चल रहा था या वीकेंड लॉकडाउन जो आपने देखा होगा पिछले टाइम पे, तो अभी लोग फॉलो कर रहे हैं SOPs को? यस, फॉलो कर रहे हैं, सब ने मास्क पहना हुआ था, और सैटरडे संडे लॉकडाउन में पूरा स्ट्रिक्टली सब, श्रीनगर हम जहाँ से भी आए, पहलगाम से आए, सब रोड्स वगैरह बंद थे, सब खाली था, हमने देखा। चलिए फाइनली सर, फाइनली जानना चाहूंगा, आप दोनों कश्मीर आए हैं, मम्मी पापा सब लोग, फैमिली मेंबर्स जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि नेशनल चैनल है, मुंबई में भी लोग वॉच करते हैं, अपने मम्मी पापा को बोलिए कि यू आर हैप्पी, और वो भी आए। वी आर रियली वेरी हैप्पी, और उनके साथ मैं सबको कहना चाहूंगा, एक बार कश्मीर जरूर जाइए, यहाँ की वादियाँ देखिए, यहाँ की खूबसूरती देखिए। मैम, यू आर फीलिंग सेफ हियर? यस, एब्सोल्युटली सेफ। चलते चलते व्हाट्स योर नेम, कहाँ से आए हैं आप? ट्विंकल प्रजापति। ट्विंकल जी, कहाँ से आई हैं? मुंबई से आए हैं। मुंबई से आप इतने प्यारे एटमॉस्फेयर पे इस वक्त वॉक कर रही हैं, इस नेचर को एंजॉय कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और मेरा एक ख्वाब था कश्मीर देखना, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको मैं हमेशा, मतलब जितने भी साथ में बातचीत हो रही है, मैं उनको हमेशा, मैंने कहा है कि भगवान का दिया हुआ बहुत खूबसूरत तोहफा है जो आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, हमको पैसे खर्च करके देखने के लिए आना पड़ रहा है। फैंटास्टिक। आप मुंबई से जब श्रीनगर की तरफ आ रही थी, तो आपको लग रहा था कि जो सोचा है उससे ज्यादा मिला आज देखने के बाद?
हाँ मतलब जो मैंने सिर्फ फोटोज में देखा था, वीडियोस में देखा था, बट रियल में देख के ना जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो अलग ही है। मतलब यहाँ के लोग अच्छे हैं, खाना अच्छा है और जगह की तो तारीफ जितनी करो उतनी कम है। अभी आप इस खूबसूरत नेचर में एंजॉय कर रही थी मगर साथ साथ में कोविड भी चल रहा है। हाँ जी। और मुंबई से देखा जाए तो कश्मीर में उतना ज्यादा केसेस का यू नो मार्क ज्यादा नहीं है, मगर आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, घूमे फिरे एंजॉय करें बट एसओपीज का ख्याल रखें। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क हमेशा लगा के रखिए, सैनिटाइजर करते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और आपके कारण और भी सुरक्षित रहेंगे। आपने देखा होगा कि कश्मीर में एक दो दिन वीकेंड लॉकडाउन भी रहा पिछले टाइम, सैटरडे संडे अगर आप रही होंगी। हाँ। तो आपको लगता है कि लॉकडाउन ही सुझाव है या लॉकडाउन ही सोल्यूशन है कि लोगों को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो इस कोविड से लड़े और खुद ख्याल रखें, क्योंकि लॉकडाउन से देखा जाए तो क्या कुछ हो सकता है जब तक हम खुद नहीं एसओपीज का ख्याल रखेंगे। ये बात आपकी सही है, हमारे मुंबई में भी सेम है, लेकिन अगर हम खुद अपना सेफ्टी खुद ही रखें तो हमारे लिए अच्छा है, फिर उसके बाद सरकार को उचित कदम उठाने पड़ते हैं, फिर ये लॉकडाउन वाला आता है। इससे बेटर है कि आप अपने हिसाब से सुरक्षित रहिए और जितना हो सके अगर नहीं जाना है बाहर तो मत निकलिए, अननेसेसरी नहीं निकले, काम है तो निकलिए। जो भी है उन्होंने अपने लिए, सरकार जो भी करती है अपने लिए अच्छा करती है। लेकिन लगता है कि इसमें एक ऐसा भी फैक्टर है, ऐसा भी एक तबका है जिसको हम कह सकते हैं कि मजदूर तबका या लेबर क्लास तबका जो इफेक्ट होता है बहुत बैडली लॉकडाउन से? हो सकता है इफेक्ट, हो सकता है, श्योर हो सकता है। इवन मेरा भी हुआ है लॉकडाउन के कारण, मेरा भी सैलरी का थोड़ा वो चल रहा है, होता है, सबको प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर हम इस महामारी से निकलना है तो अगर हम इस तरह से फॉलो करते रहेंगे हो सकता है ये महामारी हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। क्या बात है, एक साइड से हम आप घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, तो कब नेक्स्ट आपकी प्लानिंग होगी कश्मीर आना? अभी तो विंटर्स में आ रही है, बर्फीले पहाड़ है। हाँ। तो समर्स में कुछ ऐसा? समर्स में मैं सोच रही हूँ, मैं अभी फैमिली के साथ में आई हूँ, वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। अभी मैं सोच रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ में आऊँ और मैं यहाँ की ग्रीनरी जो रहती है अप्रैल मई महीने में उसके लिए शायद प्लान। मुंबई में भी कुछ लोग देख रहे हैं आपको, सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर मुंबई पीपल स्पेशली यू नो ऑल अराउंड, अगर देखा जाए क्लाइमेटिक कंडीशंस में हर एक मौसम कश्मीर का खूबसूरत है, सो व्हाट इज योर मैसेज, कम एंड एंजॉय कश्मीर। हाय मुंबई, आप लोग यहाँ पे आइए, बहुत सुंदर जगह है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, इंजॉय कीजिए। और ये जो कश्मीर को स्वर्ग बोला जाता है ये जब आप खुद आके अनुभव कीजिएगा तभी मजा आएगा। धन्यवाद। चलते चलते आपका नाम क्या है? दीपशिका। दीपशिका, यू आर लुकिंग कंप्लीट यू नो ब्यूटीफुल स्पेशली कश्मीर। कहाँ से आई हैं आप? आसाम। आसाम से कश्मीर का सफर कैसे प्लान किया और यहाँ पर कैसा आके लग रहा है? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्सिंग। अच्छा, बहुत प्यारा था। क्या क्या देखा आपने यहाँ? गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर। गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर को एक्सप्लोर किया है, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ मेमोरीज यू आर गोइंग टू टेक अलोंग विद यू? बहुत कुछ, सारी बहुत सारी एक्टिविटीज। अच्छा, ये बताइए, अभी आप गार्डन्स घूम रही हैं, इस गार्डन में घूम रही हैं, आपको लग रहा है कि एकदम सूदिंग है, एकदम लविंग है, यू नो वेल नेचर्ड, वेल सराउंडिंग्स? हाँ, काफी रिलैक्सिंग है, काफी पीसफुल है। और अभी वैसे तो जून में ज्यादा प्यारा लगता है बट काफी अच्छा था। मतलब आप कश्मीर फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ। पहले तो प्लान कैसे हुआ कश्मीर आना, फैमिली की चाहत थी क्या आपकी? सबकी चाहत थी हमारी, कब से प्लान था। ओके। तो फैमिली प्लानिंग थी ये पहली बारी। और आप कश्मीर में देख रही हैं तो आपको लग रहा है कि कोविड का यहाँ ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, थोड़ा सा सूदिंग है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी सूदिंग। चलते चलते What's your name, sir? पुष्पक। पुष्पक जी कहाँ से आए? हम फिलहाल दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, कश्मीर आप आए हैं, तो जानना चाहूंगा एक साइड से दिल्ली में कोविड चल रहा है बहुत ज्यादा और कश्मीर में भी कोविड चल रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सिंग है, सूदिंग है? जी बिल्कुल है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन बहुत कम है, हम लोग दिल्ली से आए हैं, ऑलरेडी वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, तो यहाँ पे काफी, मतलब इवन इफ इट इज लाइक टू मच कोल्ड वी आर स्टिल फीलिंग गुड, लाइक वी आर नॉट फेवरेश और समथिंग लाइक दैट। एक साइड से देखा जाए कश्मीर इस वक्त ठंडा ठंडा है, तो यू बिलीव दैट दिस इज द राइट टाइम यू नो थोड़ा सा चिल को एंजॉय करने के लिए? जी बहुत बहुत सही टाइम है दिसंबर जनवरी आने के लिए लोगों के लिए। हाँ, ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड सिनेरियो लोगों ने इतना प्रेफर नहीं किया अभी आना, बट हमने उसी को सोचते हुए आया कि अभी लोग कम होंगे तो हम जाते हैं। चलिए अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि लोग कम है, गार्डन ज्यादा फुल नहीं है, थोड़ा सा एसओपी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एसओपीज भी मेंटेन होगी, सोशल डिस्टेंसिंग? जी
यहाँ पे इस गेट पे कोविड टेस्ट है, वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स मांग रहे हैं वो सब लोगों का, तो ये SOPs फॉलो हो रही है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। ये भी देखने को मिल रहा है आपको कि कश्मीर में लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं? हाँ जी, जरूर कर रहे हैं लोग। लोकल वाले लोग थोड़ा बहुत लिबरल हैं अपने मास्क पहनने से, बट पुलिस और जो यहाँ पे CRPF वाले हैं वो लोग ट्रेवलर्स को काफ़ी चेक करते हैं कि आपने SOP फॉलो किया है या नहीं। बिलीव दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइक SOPs को चेक किया जाए, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स रखे जाए। जी बिल्कुल, टूरिज्म है, अब कश्मीर टूरिज्म पर चल रहा है, तो यहाँ पे अगर लोगों को आना है और कोविड केसेस कम रखने हैं तो SOPs फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस नेचर के बारे में, इस प्यारे मौसम के बारे में क्या अल्फाज हैं आपके? बस बहुत खूब है, बस ऐसा है कि अगर सिचुएशन अच्छा रहे तो यहाँ लैंड भी खरीद सके कोई। और मौसम के साथ साथ ये कह सकते हैं कि पैसा वसूल आपके पैकेज का हो गया? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? जरूर आए यहाँ पे, अगले साल आप अपना प्लान करें जरूर, दिसंबर जनवरी जनवरी एंड जरूर करिए। चलते चलते प्रोग्राम का नाम ही है चलते चलते, और जब हम चलते हैं तो आपको आखिरकार पता चल ही जाता है कि हर एक जगह पर हमारा कैमरा फोकस रहता है और कई लोकल्स पर भी फीचर होता रहता है। हमारे साथ एक मेहमान है जो इन वादियों में इस वक्त घूम रहे, इनसे बात करेंगे। हाथ में मास्क है, मैंने भी मास्क को अभी उतार के रखा है क्योंकि बात हो रही है, मगर हम 2 गज दूरी बना के रखेंगे। आपका नाम? दिव्या। दिव्या कहाँ से आई? दिल्ली। दिल्ली से। कश्मीर का सफर कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब आई मस्ट से एवरीवन शुड विजिट कश्मीर। क्या खास लगा आपको यहाँ पे? द स्नो, आई थिंक दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम टू कश्मीर एंड यू नो काइंड ऑफ विजिट द ब्यूटी ऑफ द कश्मीर, सो यप द स्नो। व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली, इट्स ऑलमोस्ट बिजी हॉचपॉच प्लेस, यू नो अ ग्लैमरस प्लेस एंड पीपल हैव नो टाइम फॉर यू नो वन टू वन, सो यहाँ आपको लग रहा है कि वक्त भी है, समा भी है, खूबसूरती भी है, सब कुछ है? सब कुछ है, एंड द वन थिंग विच आई नोटिस्ड इज द हॉस्पिटैलिटी। आई मीन द पीपल हियर दे आर सो हेल्पफुल, आई हैव नॉट सीन सच पीपल एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, सो आई लव द पीपल हियर। चलिए, ये तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और इन्होंने खुद कहा, यू नो देयर आर सो मच ऑफ मेस व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक र्यूमर्स। आपने भी देखा होगा कि न्यूज़ में ये दिखाते हैं, आप भी देखते होंगे, और कभी-कभी आपको भी डर लगता होगा कि कश्मीर जाए या ना जाए, बट आज आप यहाँ आई हैं, आपको लगता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें? यस, मैं बिल्कुल बोलूंगी, व्हाट आपको घूमना है अगर आप घूमिए, बट आपको ध्यान रखना है सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल्स का। यू हैव टू कैरी अ मास्क विद यू, यू हैव टू कैरी अ सैनिटाइजर विद यू, एंड दैट्स इट। आप प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखेंगे, आप सेफ रहेंगे, एंड पीपल यस एंड नॉट एट ऑल, यू कैन कम, यू कैन विजिट। ओके, अ फाइनल मैसेज, अ फाइनल कोट फ्रॉम योर एंड, लाइक पीपल आर वॉचिंग यू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, सो कश्मीर और कश्मीर के इस मोहब्बत के लिए आप उनको कैसे वेलकम करेंगे? आई थिंक It's very soothing. That's what I felt. मतलब बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, आपको अंदर से शांति महसूस होगी, मेंटल पीस एंड मेंटल हेल्थ जो हम बोलते हैं ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी। चलते चलते तो चलते चलते आप देख रहे होंगे कि मेहमान घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, जबकि सर्दियों में हम अक्सर लोग घर पे बैठते हैं, मगर जो टूरिस्ट बाहर से आता है तो वो इन सर्दियों को कितना पसंद करता है, इनसे पूछते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम स्नेहल है। स्नेहल जी, सर आपका नाम? मोनीश। मोनीश मैम, ये बताइए सर की ड्रेसिंग को लेकर आज आपने जज किया है इनको, ड्रेसिंग ऐसे करें कि ये खुद की ड्रेसिंग है? जी मैंने बताया। अरे वाह, स्मार्ट लग रहे हैं सर, स्मार्ट लग रहे हैं। तो ड्रेसिंग आप हमेशा मैम के कहने पर करते? नहीं वैसे नहीं, पर डिस्कस करके, कभी जो अच्छा नहीं रहता तो कर लेते हैं। आज आप स्मार्ट लग रहे हैं, ये मैम की। यस, थैंक यू सो मच। मानना पड़ेगा आपको। यस ऑफ कोर्स, मैम को मानना। जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस मौसम में आप एंजॉय कर रही हैं, आप कहां से आई हैं? जी वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे, और यहाँ पे बहुत सारी मतलब ठंडी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, बर्फ गिर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करने आए। सर्दियों में ही प्लान किया था आपने, विंटर्स में जाएंगे, इस बर्फीले मौसम में जाएंगे? यस यस यस। कब से प्लान कर रहे थे? ये 2 महीने हो गए। ओके, तो क्या क्या देखा कश्मीर में आपने? अभी हम घूम रहे दल लेक जाके आए, शिकार राइड हो गई, अभी यहाँ पे मुगल गार्डन देखने। कितने दिनों से आप यहाँ हैं और क्या क्या सुना है कश्मीर के बारे में? अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, कश्मीर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें सुनी है, और
लाइक वी आर रियली एक्सपीरियंसिंग अ गुड थिंग्स लाइक आपने सुना है गुलमर्ग पहलगाम हाँ गुलमर्ग पहलगाम वगैरह अभी वो बाकी है हमारा देखना ये हमारा पहला डेस्टिनेशन है तो हम यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं बट यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी लग रही है फैंटास्टिक एक साइड से अगर देखा जाए कोविड भी चल रहा है मगर आपको लगता है कि मेंटेन्ड है भीड़ भाड़ नहीं है इजीली यू नो दो गज दूरी भी हो रही है और एसओपीज पर भी जोर दिया जा रहा है हाँ जी अभी आते वक्त ही उन्होंने पहले हमें चेक कर लिया कि लाइक आपके वैक्सीनेशन है या नहीं वगैरह सब पूछ रहे हैं और फिर जैसा आप बोल रहे कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे लोग हाँ मास्क वेयर कर रहे हैं अभी सिर्फ अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपको लग रहा है कश्मीर में कोविड का इतना ज्यादा टेंशन नहीं है जितना आपके वहाँ पे क्योंकि केसेस देखा जाए या पॉपुलेशन के हिसाब से यस यस यहाँ पे कम है उस हिसाब से और तभी भी सब लोग जो है वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वेल वेंटिलेटेड यस वेल वेंटिलेटेड है नो पोल्यूशन ओके एक साइड से नो पोल्यूशन आप घूम रहे हैं तो अभी आप कुछ दिन और हैं कश्मीर में सो जो नासिक में लोग देख रहे हैं आपको आप उनको सजेस्ट करेंगे कि कश्मीर आए जी डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी और मैं बोलूंगी कि विंटर्स में ही आए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को है तो जरूर आए कश्मीर जब ये ठंड आपके गालों को छूती है तो क्या होता है अच्छा ही फील होता है ऑफ कोर्स कोई लगता है कि कोई अपना सा पुकार रहा है और टच कर रहा है यस वो फीलिंग ही अलग है जब वो विंटर का और उसमें कश्मीर का सच में जो बोलते हैं जन्नत है सो हियर इज जन्नत क्या फैंटास्टिक अच्छा चलिए फाइनली आपसे जानना चाहेंगे आपके पेरेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर्स वॉच कर रहे हैं क्या उनमें कोई डर तो नहीं था कि जब आप कश्मीर जा रहे हैं अब आप यहाँ है तो क्या मैसेज देंगे आप इस वक्त टेलीविजन के जरिए जी नहीं उनके मतलब मन में कोई डर नहीं था इवन हम दोनों के मन में भी कोई डर नहीं था बट हाँ हम मतलब हम लोग चाहते थे कि हम आए यहाँ पे और जैसे इन्होंने बोला कि जन्नत है तो मैं तो मतलब मेरा बहुत दिन से सपना था कि मैं जन्नत देखूँ सच तो में मम्मी को बोलिए मैं जन्नत देख हाँ जी मैं जन्नत देख रही हूँ यस खुश है सर योर पापा इज वॉचिंग तो पापा को बोलिए ना कि नेक्स्ट प्लान with family yes yes I'll definitely plan with them so you're happy one more plan yes very happy I'm so happy chalte वादी कश्मीर के मौसम की अगर बात करें तो हर एक मौसम में जी हाँ खूबसूरती है और एक खूबसूरत रंगत है देखा जाए जबकि वादी कश्मीर में सैयाह आता है तो ये खूबसूरत वादियाँ जो है उन्हें गले लगाती है इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस मौसम में उसे मजबूर करती है कि वो इस मौसम को अपनी बाहों में समेट लें तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में भी हमने ये देखा कि एक साइड से बर्फीला मौसम है ठंडा मौसम है चिलई कलान चिलचिल होकर चला गया और बर्फबारी जो है अभी अपर रीजेस पर है पहाड़ों पर है अभी भी ठंड है मगर साथ ही साथ कोविड भी चल रहा है कोविड 19 ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कोविड 19 के जितने भी वेव्स थी या जितने भी उसके उसका जो टाइम रहा है फर्स्ट या सेकंड को लेकर अभी थर्ड वेव चल रही है तो वी एक्सपेक्ट कि अभी इस थर्ड वेव के साथ इसका खात्मा हो जाए चला जाए मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एसओपीज को लेकर हम खुद अवेयर रहें हम इस पर मुकम्मल तौर पर चले जबकि आपने मास्क को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है स्पेशली दो गज दूरी रखनी है जैसे मेरे कैमरामैन और मैंने भी इस वक्त रखी है भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना है और इस गार्डन में भी हम देख रहे हैं कि कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है मुगल गार्डन जो कि काफ़ी ज़्यादा यू नो फेमस भी है और साथ साथ यहाँ काफ़ी सैयाह आते हैं जो इन्जॉय करते थे और लोग ये अब ज़रूर समझ गए हैं कि बिना वजह घर से निकलना सही नहीं है अगर हम निकलेंगे भी तो कोई काम को लेकर फिलहाल अगर टूरिस्ट घूम रहा है तो जाहिर सी बात है वो यहाँ घूमने फिरने के लिए आया है और इस मौसम को इन्जॉय कर रहा है और हमने देखा कि टूरिस्ट इन्जॉय कर रहे हैं और साथ साथ टूरिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि लोकलाइट्स के साथ साथ Absolutely एक अच्छा cooperation मिल रहा है SOPs को लेकर and we expect कि इंशाल्लाह ये continue रहेगा so that we can easily tackle and we can easily trace out जिस तरीके से हम इस COVID की बात कर रहे हैं हम easily इससे बाहर आ सकें और ये सबसे बड़ा इस वक्त एक important step है जिसमें हमें follow करना है hand sanitizers, mask पहनना है social distancing then we can live life longer and especially happily थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस चलते चलते आज मेरा कैमरा आपने देखा किसी टॉपिक पर रहा और हमें उम्मीद है कि ये खूबसूरत बातें आप हमेशा पसंद करते रहेंगे और अपना सपोर्ट देते रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ हमेशा कोशिश करेगा कि कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएँ जैसे आपने देखा कि हर एक टॉपिक पर हम बात करते रहते हैं और एक लोकल्स पर हमारा कैमरा फोकस होता रहता है और इस कैप्चर करते करते इस खूबसूरती को लेकर दुनिया भर तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं ये कश्मीर है तो इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही अगले हफ्ते किसी
किसी और जगह पर चल पड़ेंगे फिर से प्रोग्राम लेकर चलते चलते। इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल जी हाँ, और साथ साथ मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे एडिटर ऑनलाइन जो इस वक्त इस प्रोग्राम को आप तक एडिट करके पहुंचा रहे हैं साहिल भट्ट को। बने रहिए, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।